एडजस्टमेंट्स टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो क्या कंटिन्यू हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने करा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, अब डेथ। रिकॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट चैप्टर। डिसोल्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि बिजनेस चलता रहेगा, बस पार्टनरशिप अग्रीमेंट चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल ही क्या राइज होता है? व्हाट प्रॉब्लम्स, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो क्या क्या आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी? तो सबसे पहले रेशियो कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या होगा? रेशियो कैलकुलेशन। रेशियो कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम एज रिटायरमेंट, एग्जैक्टली सेम एज रिटायरमेंट। तो कुछ नहीं कराऊंगा मैं इसमें, ऑफकोर्स रिटायरमेंट की आती है तो ये हो जाएगी, रिटायरमेंट की नहीं आती तो ये भी नहीं होगी। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जैक्टली सेम। प्रॉफिट्स रिजर्व्स लॉसेस एग्जैक्टली सेम। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एग्जैक्टली सेम। तो फिर अलग क्या होगा? अलग क्या होगा? ध्यान से देखेंगे ये चीज। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ। सबसे मजेदार चीज ही पूरे चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि रिटायरमेंट और डेथ में सबसे इंपॉर्टेंट फर्क ही क्या होता है, कि रिटायरमेंट प्लान थी, डेथ अनप्लान्ड होती है। तो 31 मार्च को बुक्स क्लोज हुई, उसके बाद आपने 3-4 महीने काम किया और निकल लिए, डेथ हो गई। तो एडिशनल कैलकुलेशन क्या होगी? वो जो एडिशनल पीरियड काम किया था, 3 महीने, 4 महीने, वट एवर में बी द टाइम पीरियड, अभी तो बुक्स क्लोज नहीं हुई तो उस साल का प्रॉफिट तो अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, लेकिन 3-4 महीने जो काम किया कुछ तो प्रॉफिट जनरेट करा होगा, उसका शेयर तो दे दो भाई साहब। आप मेरी कैपिटल के पैसे मुझे दे रहे हो, आप मुझे शेयर इन रिजर्व्स, प्रॉफिट्स लॉसेस सब दे रहे हो, रिवैल्यूएशन का भी शेयर दे रहे हो, मेरा गुडविल का भी शेयर दे रहे हो, बट इस पीरियड में कुछ प्रॉफिट भी तो जनरेट करा होगा, या हो सकता है कुछ लॉस इनकर करा हो, तो वो लॉस मेरे से रिकवर करो। किससे भाई साहब, ये तो चले गए। तो वो जो भी चीजें होंगी उनके लीगल हेयर के साथ होंगी, एग्जीक्यूटर के साथ होंगी, बट द पॉइंट इज द डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर और द लीगल हेयर विल बी एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो ये चीज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे अभी। और लास्ट चीज लोन अकाउंट। लास्ट चीज जो इसमें मजेदार होगी वो क्या होगा? डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर, तो सी मरा तो सी इज एग्जीक्यूटर, बी मरा तो बी इज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ना कोई वो नहीं है। और हम क्या बनाना सीखेंगे? नॉर्मल है, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये तीन चीजें हैं जो हम नई सीखेंगे, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, लेकिन सब कुछ यूज होगा, सब कुछ यूज होगा, रिपीट होगा, सब कुछ यूज होगा, रिपीट होगा। रेशियो कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व्स, ठीक। तो हम बात ही कहाँ से शुरू करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ।